आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। कनाडा और भारत के बीच खालिस्तान को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। इस बीच कनाडा और भारत ने अपने यहाँ के दूतावासों के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार कनाडा वहाँ रह रहे खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, जबकि भारत लंबे वक्त से इस बात को कनाडा की सरकार के साथ उठाता आ रहा है। सवाल यह भी है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल वाले मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो कनाडा सरकार के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो कत्ल में भारत का हाथ होने की गवाही दे रहे हैं। तो भारत और कनाडा से जुड़े तमाम मामले हैं जिन्हें जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत के पूर्व राजनयिक रिटायर्ड कर्नल जयवंत सिंह साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि कनाडा में काफ़ी समय से खालिस्तानी रह रहे हैं और अब बात करें तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व है, उसके बावजूद कनाडा आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है? थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये वोट बैंक की राजनीति है और ये इतनी ऑब्वियस है क्योंकि इस टाइम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी बहुत रॉक बॉटम के ऊपर है और उनका वहाँ ज़्यादा देर अपने कुर्सी पर स्थिर रहना भी हाईली अनलाइकली है और वो वहाँ बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि उनके पास जगमीत सिंह का सपोर्ट है जो कि खालिस्तान एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो इस वजह से जब से ये कमजोरी आई है जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिकल स्फेयर में, तब से खालिस्तानी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अफसोस की बात ये है कि उनकी कमजोरी का फायदा उठा के वहां के जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और वो कई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उनको करने नहीं चाहिए। अल्टीमेटली इस चीज का कनाडा को बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारत को नुकसान नहीं होने वाला है और यही पॉइंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को बताने की कोशिश की थी कि आप अपने घर को संभालें, हमारी फिक्र मत करें, पर उन्होंने वो गलत ले लिया। वहां जाके फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये जो दो तीन अभी चीजें की हैं ये बिल्कुल गलत हैं। वो तो वहां जाके एक चीफ जस्टिस बन गए हैं, ना उनकी कोई वहां उनके इंक्वायरी पूरी हुई है, ना कोई चार्जशीट आई है, ना किसी बंदे के ऊपर है, ना कोर्ट केस में है और उन्होंने एक एलिगेशन लगा दी विदाउट एविडेंस इंडिया के ऊपर। ये क्या सिस्टम है? तो उससे उन्होंने अपनी छवि को, अपनी क्रेडिबिलिटी को और भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। फिर उन्होंने एक हमारे डिप्लोमेट को भेज दिया, टिट फॉर टैट में हमने उनके डिप्लोमेट को भेज दिया। तो इससे तो लोगों का ही नुकसान होगा, कनाडा का नुकसान होगा, हमारी आपसी भाईचारे का नुकसान होगा और तो कुछ नहीं होने वाला, खालिस्तान तो बनने वाला नहीं है। जी सिंह साहब, ये जानना चाहेंगे कि अभी G20 समिट हुआ था, उसमें जस्टिन ट्रूडो आए थे यहाँ पर, तब ऑलरेडी वहाँ रेफरेंडम चल रहा था, ऐसे में वो क्या मैसेज देने के लिए भारत आए थे और क्यों आए थे? ये तो सारी पूरी दुनिया ढूंढने की कोशिश कर रही है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो एक बड़े एग्रेसिव मूड में आए थे। एक तो खालिस्तान के मामले में वो बड़े एग्रेसिव मूड में आए थे, दूसरा वो आने से पहले उन्होंने बातचीत की थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, फिर आए थे और वो ये चाहते थे कि हम उनका तो एजेंडा था कि रशिया को पूरी तरह से घेरने का यहाँ पर, उसके लिए वो एग्रेसिव तैयारी करके आए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं निकलेगी, जॉइंट स्टेटमेंट भी निकली। यहाँ भारत ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया यूक्रेन बैटल में सब की टेंशन्स को कम करने के लिए, उसमें भी उनका फेलियर हो गया और उसके बाद फिर उनको मतलब सबने यहाँ इग्नोर किया जिससे कि उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई। इससे पहले उनका डिवोर्स हुआ था, उनकी वाइफ भी साथ नहीं थी, आई अपने बेटे को लेके आए थे, घरेलू मामले में भी उनका प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि इस टाइम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो हैं वो बहुत बड़ी मानसिक स्ट्रेस में चल रहे हैं, अपनी फिजिकल, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के मामले में,
जिसके कारण कि उन्होंने कुछ एक ऐसा स्टेप ले लिया है जो कि एक अच्छे लीडर और एक स्टेट्समैन को शोभा नहीं देता। जी साथ ही सिंह साहब ये भी जानना चाहेंगे कि इस मुलाकात के बाद कनाडा ने भारत में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए भी रोक लगा दी पूरी तरह से, तो अब ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड पर इसका क्या कुछ असर पड़ता दिखाई देगा? भारत के पास और बहुत एरियाज हैं ट्रेड करने के लिए। कनाडा के साथ कोई ऐसा हमारा ट्रेड नहीं है जिसके जिसके खत्म होने से या जिसके कम होने से हमारी आर्थिक व्यवस्था को कोई फर्क पड़ जाएगा। दूसरे लोग बहुत तैयार हैं कि अगर हम वहां से अपने आप को शिफ्ट करके दूसरी तरफ जाएं। इस टाइम के ऊपर भारत की पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नाम बन रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के योगदानों से हमारी एक बहुत बड़ी चर्चा है पूरी दुनिया में, और उस चर्चा में कनाडा एक बहुत छोटा मुल्क पड़ जाता है। कनाडा को हमारी जरूरत है, ज्यादा है, हमें इतनी उसकी जरूरत नहीं है, पर हम फिर भी कनाडा के साथ एक बहुत ही इवन प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलेशनशिप रखनी चाहते हैं। अगर वो नहीं रखनी चाहता है तो मेरे हिसाब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, ये खालिस्तानियों से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जी साथ ही सिंह साहब ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे अगर हम देखें मुद्दे पर तो अमेरिका का क्या कुछ रोल आपको लगता है कि रहेगा आगे, और क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन जो है वो कनाडा पर दबाव बना सकते हैं कि वो खालिस्तानियों पर कोई कार्रवाई करे, कोई एक्शन ले? नहीं, क्या जरूरत है जो बाइडेन को कनाडा के ऊपर ये, और हम क्यों ये उम्मीद करें कि जो बाइडेन करेगा? मेरा ये मानना है कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं खालिस्तान के ऊपर। खालिस्तानी जो वहां के हैं फ्रिंज एलिमेंट हैं। देखो खालिस्तान की इंडिया में, पंजाब में 0.1% से भी कम छवि है। अगर हमारे पास इंडिया में इस समय 3 करोड़ सिख हैं तो उसमें से 2,99,950 जो है वो इस चीज को मानते नहीं है। जो यहाँ के हैं वो मानते नहीं है। जितनी आज तक यहाँ इलेक्शंस हुई हैं उसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स को 1% भी वोट नहीं पड़ी है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं कि वो जो खालिस्तान के बढ़ावा देना चाहते हैं देते रहें। उनको ये बताया गया है कि ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को, ऐसे ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स को खड़ा करके वो अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं, और इस कमजोरी से उनको अपने आप को बचाना चाहिए। अगर वो नहीं बचाना चाहते हैं तो उनका प्रॉब्लम है, हम नहीं किसी को कहेंगे कि आप इंटरवीन करो, हमें जरूरत ही नहीं है। जी सिंह साहब, इसका मतलब ये समझा जाए कि भारत इस समय पूरी तरह से मजबूत स्थिति में, भारत को किसी भी तरह से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। घबराए तो ये कनाडा को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत सिर्फ है जस्टिन ट्रूडो को और उसकी गवर्नमेंट को, क्योंकि जितनी गलतियां हैं वो वहां पॉलिटिकल व्यक्तिगत तौर के ऊपर है। कनाडा के जो लोग हैं वो भी ये नहीं मांगते हैं जो कि जस्टिन ट्रूडो ने कर दिया है। वो भी भारत के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है वो खराब नहीं करनी चाहते हैं। तो मुझको तो लगता है कि बहुत जल्दी वहां रेजिम चेंज हो जाएगा, तो ये जो तमाशा इन्होंने लगा रखा है कुछ एलिमेंट्स ने इकट्ठे मिलके, ये खत्म हो जाएगा। पर जब तक ये खत्म नहीं होता ये एक फेसिस्ट तमाशा है। हमें ये सोच लेना चाहिए कि छोटे फ्रिंज ग्रुप जो हैं वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से उनको ये मिल रहा है, ये इतनी बढ़ाव मिल रहा है, अगर वो वायलेंस की तरफ चले गए तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट और कास्केटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है नेशंस के बीच में। तो मैं तो अभी भी ये चाहूंगा कि उनको कुछ कोई बुद्धि मिल जाए और वो जो करने के जिस राह पर चल रहे हैं उस राह को छोड़ दें। जी सिंह साहब, कनाडा जो है वो आरोप भी भारत पर लगाता आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई कनाडा के पास कोई सबूत है जो वो भारत के खिलाफ पेश कर पाएगा? हमें क्या जरूरत है वहां जाके किसी को कुछ करने की। वो इतना कोई बड़ा आदमी नहीं था निज्जर जिसकी ये बात कर रहे हैं कि उसके लिए हम एक स्टिंग ऑपरेशन कराएं और उसको जाके किसी तरह से वेस्ट करने की कोशिश करें। मैं पंजाब में रहता हूं, इससे पहले तो मैंने निज्जर का नाम भी नहीं था सुना कि वो कौन है। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे काम करने की। ये इन्होंने ही अपने दिमाग में सोच लिया है कि हम बहुत ज्यादा ये खालिस्तान प्रॉब्लम के साथ बहुत ज्यादा दबे हुए हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम का कोई प्रेशर नहीं है, जो प्रेशर है वो कनाडा में ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका श्रेष्ठ भारत के साथ इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।